तस्वीरें जरा देखिएगा, SKICC कन्वेंशन सेंटर है जिसके बाहर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 बजे से क्योंकि मतगणना की शुरुआत हो जाएगी तो अब टीम का पहुंचना शुरू हो गया है और उसके बाद EVM की गिनती शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किया गया है और पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में देखिए 47 सीटें कश्मीर में है, इसके अलावा 43 सीटें जम्मू में है और बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, दावा है कि इस बार गुरेज सीट हो गई, ऐसी कई सीटें हैं जिस पे बीजेपी का खाता खुल सकता है। जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे, अगर वही एग्जैक्ट नतीजे होते हैं तो बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर 16 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है। वो तो मतगणना के बाद धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएगा। रिपब्लिक भारत पर हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिएगा। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। प्रगति तस्वीरें तैयारी की आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। अब अपने सहयोगी गुरसिमरन के पास हम चलना चाहेंगे। गुरसिमरन, आप तो जम्मू कश्मीर की उस तासीर को समझते हैं कि अगर यहाँ पर कोई राजनीतिक बड़ा उलटफेर होता है तो वो कितना महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। तैयारियां क्या है मतगणना को लेकर और इस तासीर के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइएगा गुरसिमरन। देखिए, इस वक्त हम जो है गांधीनगर में मौजूद हैं। यहाँ बाबा फतेह सिंह गुरुद्वारा पे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं विक्रम रंधावा, भाजपा ने इकलौते जो जाटफेस हैं उन्हें टिकट दिया है, वो यहाँ बाहू से मैदान में हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। विक्रम जी, कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि समय जो है तकरीबन अब 1 घंटा और 50 मिनट का रहेगा। देखिए, उम्मीद तो पूरी है लेकिन मैं यकीन कह सकता हूँ कि हमारा कोई भी कार्य रहता है हम गुरु घर का आशीर्वाद लेके करते हैं और आज प्रातःकाल ही मैंने गुरुद्वारा साहब से माथा टेका, आशीर्वाद लिया है। जब चुनावी अभियान में भी गए थे तब भी गुरु घर का आशीर्वाद लेके गए थे और मुझे यकीन है कि मेरा बाहू विधानसभा क्षेत्र जो मेरी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी कर्म भूमि है, यहाँ के हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिला है और आशीर्वाद को हम वोट में बदलने में। पार्टी के परफॉर्मेंस क्या रही है, कितनी सीटें क्रॉस कर रही है पार्टी? देखिए, पार्टी ने क्लियरली कहा था कि हम राष्ट्रवादी ताकतें यहाँ मजबूत करेंगे, पहली राष्ट्रवादी सरकार जम्मू कश्मीर में होगी और मुझे लगता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी। तो शाम तक माना जाएगी, फिर बाकी विधायकों को भी फोन जाएंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे? देखिए, वो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का फैसला है कि उन्होंने क्या मापदंड बनाने हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेगी। बाकी राजनीतिक दल जिनको कि आप पूरे चुनाव अभियान में कोसते रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस, वो कहाँ रहे? देखिए, उनका अपना वजूद है और वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो खुद इंट्रोस्पेक्शन करके देख लें। जम्मू कश्मीर को तबाही के रास्ते पर लाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है, तो डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है और आज वो मिलने जा रही है। तो ये थे विक्रम रंधावा हमारे साथ। अब जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भाजपा की तरफ से किस तरह से तैयारी की गई है वो समझने की जरूरत है। जी किशन रेड्डी और राम माधव की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी गई थी जिसको लेकर अमित शाह ने एक बैठक भी की थी। इस रिपोर्ट की आप दिन भर एक एक तस्वीर हम तक पहुंचाएंगे भी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन पुनीता अंबाला से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुनीता अंबाला में अनिल विज का नाम खूब आपने देखा, जिस दिन मतदान किया था लोगों ने उस दिन भी वो लोग बात कर रहे थे, लेकिन हालांकि आज की अगर बात करें, सबसे पहले आप ये जानकारी दीजिए कि अंबाला में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां की गई है। बिल्कुल महिमा, देखिए प्रशासन की तैयारियां, वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अनिल विज की बात होती है तो अंबाला कैंट का देखिए जिक्र इसलिए भी होता है क्योंकि 6 बार से वो यहां पर विधायक रहे हैं और गढ़ माना जाता है अंबाला कैंट। लेकिन अगर बात करें इस बार के चुनाव की, लेकिन इस बार की जो चुनाव है उसकी जो फिजा है अंबाला कैंट की, खास तौर पर बात करें यहाँ की जो फिजा है वो बदली बदली इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे मुकाबला एक तरफा नजर नहीं आ रहा है बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर टक्कर देखिए हर प्रत्याशी जो है वो अनिल विज को देते हुए नजर आ रहे हैं। जीत किसकी होगी थोड़ी देर में इसका पता चल पाएगा, लेकिन आपको बता दें कि अंबाला कैंट में एक उनका रुतबा रहा है, अनिल विज का रुतबा रहा है और 6 दफा वो यहाँ से चुनाव जीत कर आ चुके हैं। निर्दलीय 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी से आज 4थी बार वो चुनावी मैदान में हैं। हालांकि एक बार 2005 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और यानी कि पिछले चुनाव की बात करें तो एक तरफा जीत उन्हें मिली थी, 64,000 से ज़्यादा वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार क्या उतनी आसान रहा रहेगी अनिल विज के लिए, सबसे बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि हर बिल्कुल आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे। काजल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। काजल,
हरियाणा के अंदर अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो यह तय है कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री तक चुनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हुड्डा साहब भी ये साफ कह चुके हैं कि वो भी रिटायर नहीं हुई है राजनीति से। काजल, काजल मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप बिल्कुल, लोमस के पास हम चलना चाहेंगे, काजल आपके पास लौटेंगे। लोमस, हरियाणा के अंदर अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो मुख्यमंत्री को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो खींचतान कांग्रेस के खेमे में देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लोमस, बिल्कुल वैभव, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है और बहुत खास दिन है और आज रिजल्ट का दिन है। आपने देखा कि एग्जिट पोल किस तरीके से क्या निष्कर्ष दिखाते हैं, क्या रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन आज जो निर्णय होगा, जो निष्कर्ष निकल के आएंगे और जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो हरियाणा की जनता को इंतजार है। आपने देखा कि 90 सीटों को लेकर के मतगणना अब से कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी और लगभग पहला जो पहला पोलिंग बूथ से जो मतगणना केंद्र से रिजल्ट निकल के आएगा वो लगभग 9 बजे के करीब निकल के आएगा और देखने वाली बात होगी। आपने यह भी देखा कि जो मतगणना केंद्र से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो लोगों को इंतजार रहेगा। हालांकि अभी सुबह का समय है और आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि सुरक्षा काफी अहम है। और आपने ये भी देखा कि जब मतगणना हुआ था तब भी सुरक्षा के इंतजाम थे और मतगणना केंद्र के बाहर भी अभी भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और देखते रहिए रिपब्लिक भारत। गुड मॉर्निंग भारत, रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा और आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हम आपको सबसे तेज दिखाएंगे, सबसे सटीक दिखाएंगे। बिल्कुल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत। देखिए आप और मेरा नाम है महिमा। सबसे तेज रुझान आज आपको रिपब्लिक भारत पर देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर घाटी की बात करें, वहां पर किसकी जीत होती ये भी आपको बताएंगे, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें 90 विधानसभा सीट और सबसे बड़ा सवाल वैभव ये है कि क्या 10 साल जिसने राज किया उसकी वापसी होगी या फिर सत्ता का जो इंतजार कर रहा है उसकी वापसी होगी। महिमा देखिए, ये जो नंबर्स हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये नंबर्स जब फिल होना शुरू होंगे तो सबकी नजरें टीवी स्क्रीन पर टिक जाएंगी, क्योंकि एग्जिट पोल हमने देखा और आज बारी है महिमा एग्जैक्ट पोल की। सबसे अहम यह है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा में किस तरह से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी ने जेजेपी के लिए कॉर्पोरेट कॉम्बिंग की और बीजेपी ने जेजेपी को अपने पास बुलाया, सरकार बना ली, लेकिन चुनाव से पहले कैसे जेजेपी और बीजेपी का साथ छूटा। और एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि चुनाव जेजेपी के लिए बहुत खास नहीं रहने वाला है, आईएनएलडी के लिए भी बहुत खास नहीं रहने वाला है, लेकिन मौका अगर किसी के पास है तो कांग्रेस के पास है। बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जिट पोल, जैसे कि आपने बताया कि एग्जैक्ट पोल वो तब्दील होते हैं उसमें या नहीं या फिर आंकड़ा बदलता है देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं और हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको जानकारी दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों जिस पर मतदान हुआ, वोटों की गिनती होगी और 8 बजे का इंतजार होगा वैभव, क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए, क्योंकि थोड़ी देर में मतों की गिनती शुरू हो जाएगी वैभव। बिल्कुल महिमा, अब से बस तकरीबन 2 घंटे बाद वो पल वो क्षण जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है, हरियाणा की बाजी इस बार कौन मारेगा, किसके सर पर विधानसभा चुनाव का ताज सजेगा। साथ ही जम्मू कश्मीर बहुत अहम, क्योंकि घाटी में 370 के खात्मे के बाद यह पहला विधानसभा का चुनाव है। बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है और हमने ये भी देखा परिसीमन के बाद वहां पर क्षेत्रीय स्थितियां भी जरूर बदली हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार विधानसभा चुनाव का ताज किसके सर पर सजने वाला है, यानी कि देश के महिमा ये दो राज्य। हरियाणा की अगर बात करें तो 8 बजे का वक्त होगा जब 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू होगी और रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे पूरा दिन दिखाता रहेगा। और महिमा, हरियाणा पर सबकी नजरें होंगी क्योंकि बीजेपी चाहेगी हैट्रिक, कांग्रेस चाहेगी कि एक बार 10 साल बाद वो कमबैक करे।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसीलिए रुझान जो आएंगे आज वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है वैभव। लेकिन इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताते हैं, और एक और बड़ी खबर आपको हम बताएंगे यहाँ पर कि मतगणना केंद्र पर सीआरपीएफ की स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखे गए मतगणना। और आपको बता दें केंद्र हरियाणा में मतगणना केंद्र पर 12,000 पुलिसकर्मी उनको तैनात किया गया है। ये हम बता रहे थे अभी कुछ देर पहले कि ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए अपने अपने स्तर पर। हरियाणा की जानकारी हम देख रहे हैं, हालांकि देखना होगा जम्मू कश्मीर में किस तरह से व्यवस्था